अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। जो स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि लैपटॉप है उसकी प्राइस है 21,980 रुपीज। अब उसको वो लेस कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, वो दे रहा है 17,980 रुपीज। आर पी के आर या तो फिर क्या कर रहा है, उसको 550 पर मंथ इंस्टॉलमेंट दे रहा है, जो कि उसके मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, कितने मंथ है उसके, 38 है। नो डिपॉजिट, वो कोई पे नहीं कर रहा वो। अब जो हमने फाइंड करना है, सिंपल फाइंड ये करना है, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। तो हमने इस डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है। फॉर पेमेंट इन कैश कंपेयर टू अ ओरिजिनल प्राइस, इस प्राइस पे ये ओरिजिनल है, ये उसका क्या है, डिस्काउंट है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 decimal प्लेस। अब हमारा जो सिंपल हमारा ये है, कैश प्राइस या ए पार्ट मार्क प्राइस। कितनी है वो, 21,980 के आर। रिड्यूस प्राइस, जो प्राइस उसने कम की है, रिड्यूस सीई $17,980, यानी कि 21,000 का लैपटॉप है वो उसको दे रहा है 17,980 रुपीज का। तो अब उसका जो बाकी क्या बच गया, उसका रिमेनिंग प्राइस 21,980 माइनस 7,980, इन दोनों को हमने माइनस किया 4,000 है। अब हमने क्या करना है, इसका निकालना है परसेंटेज। फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट फॉर अ पेमेंट कैश कंपेयर्ड ओरिजिनल प्राइस। फाइंड डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल अमाउंट। वो हमारे पास क्या है, ये डिस्क रिमेनिंग है 4,000 अपॉन ओरिजिनल प्राइस 21,980 मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो अब इसको हमने डिवाइड करना है, 4,000 मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास बन गया 4 लाख, डिवाइड 21980, आंसर इज 18.1983। 18.1983%। अब उसमें ये लिखा है कि आपने जो आंसर है 1 decimal इक्वल टू 18.2%, ये हमारा ए पार्ट है। स्टेटमेंट ये है उसकी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस है। अब इसमें देखिए हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 21,000 है, और जो उसका डिस्काउंट है वो 17,000 है, और मंथली जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो 550 है, नो डिपॉजिट है। अब यही हमारा फाइंड करना है हमने, हायर परचेज, हायर परचेज प्राइस कितना उसका 550 मल्टीप्लाई उसका टाइम कितना है, ड्यूरेशन 38 मंथ है, इक्वल टू 38। तो ये बन जाएगा हमारे पास 550 मल्टीप्लाई 38 20,900। ये उसकी हायर परचेज है, वो इतने पे इसको कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है ओरिजिनल प्राइस का। जो डिफरेंस होगा तो वो हमारे पास क्या है, ये है 21,000 है ओरिजिनल प्राइस, 21,980 माइनस टू 20,900। इन दोनों का हमने माइनस किया, माइनस 21,980 1,080, उसका ये डिफरेंस है। उसका इतना डिफरेंस हो रहा है इसके ऊपर, हायर परचेज के ऊपर और ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। हमने सी पार्ट में ये फाइंड करना है, फाइंड द व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर अ हायर परचेज। हम सबसे पहले इसका निकालेंगे एडिशनल अमाउंट। ये हमारे पास हायर परचेज है इक्वल टू 20,900। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, रिड्यूस प्राइस कितनी है हमारे पास 7,900 माइनस 17,980। इन दोनों को हमने माइनस किया, 20,900 माइनस 17,980, आंसर इज 2,920। अब जो हमारे पास टाइम है, टाइम कितना हमारे पास स्टेटमेंट में दिया गया है, वो 38 मंथ है, 38 मंथ। अब हमने क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या है, I = PRP। ये बन जाएगा 38/12 ईयर्स, ये बन जाएगा 19/6 यानी कि 19/2 38 6/2 12। ये हमारे पास इसका ईयर आ गया। हमारे पास टाइम भी आ गया है, एडिशनल अमाउंट भी आ गई है, ये क्या प्रिंसिपल, ये हम इसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, पी प्राइस। यानी कि एडिशनल अमाउंट क्या इसका, सॉरी हाँ, एडिशनल अमाउंट को हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, ये इंटरेस्ट रेट है। अब इसको मैं यहां कर रहा हूं, तो फार्मूला क्या है, I = PRT और R को हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया है, I = ये हो गया ये। अब I इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 2920 इक्वल प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, जो प्राइस है वो किसकी है, ये है जो उसने एक्चुअल वैल्यू पे पे करना है, 7980 मल्टीप्लाई आर हमारे पास नहीं है। टाइम क्या हमारे पास, टाइम हमारे पास है 19/6 19/6, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब ये 100 क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2920 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 7980 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 19/6। अब देखिए ये फिर 6 डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2920 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 6 इक्वल आर हमने साइड पे कर लिया और नंबर को साइड पे कर लिया, मल्टीप्लाई 7980 मल्टीप्लाई 19। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2920 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 6, आंसर हमारे पास आ जाएगा 29 20 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 6 175200 इक्वल टू आर। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 17980 मल्टीप्लाई 19 इक्वल क्या है 341620। अब ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड 175200 डिवाइड 341620 इक्वल टू आर। आर इज अ रेट परसेंटेज। नाउ इसको डिवाइड करते हैं 175200 डिवाइड आंसर इज आर। इट मीन आर इक्वल 5.1285 इक्वल टू 5.13%। इसको हमने राउंड ऑफ किया, ये हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट हमारी ये है, A computer system is priced at PKR 32,000. A man buys the computer system on hire purchase according to the following term: down payment 15% and remaining to be paid in monthly installment over 2 years at a simple interest rate for 9.5% per annum. Find the monthly installment. Find the total amount of man pays. He, how much more does he have to pay for buying a computer system on a hire purchase? अब इसके हमारे 3 कंडीशंस हैं। सिंपल हमारे पास क्या है, ए पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट, पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। मार्क प्राइस मार्केट प्राइस 32,000, डाउन पेमेंट कितनी उसकी 50% है। डाउन पेमेंट 50% ऑफ 32,000 इक्वल टू 15/100 मल्टीप्लाई 32,000। दिस 20 और 20 कट हो जाएंगे इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 320। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 4,800। अब इसका ये डाउन पेमेंट इतनी होगी इसकी। अब इसकी जो रिमेनिंग प्राइस है, रिमेनिंग प्राइस इक्वल टू 32,000 माइनस 4,800 इक्वल टू मीन जो हमारी रिमेनिंग प्राइस है, बाकी प्राइस है वो क्या बन गई है 27,200। अब स्टेटमेंट में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डाउन पेमेंट हमारी ये हो गई है। अब उसके बाद ये है एंड द रिमेनिंग टू बी पेड इन अ मंथली इंस्टॉलमेंट 2 ईयर। 2 ईयर कब पे करना है, जब वो एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5 पर अनम। अब हमने इसका इंटरेस्ट रेट निकालना है, 9.5 है तो अब देन फिर हमने इसकी निकालनी है मंथली इंस्टॉलमेंट। अब एंड ऑफ 1 ईयर, एंड ऑफ 1 ईयर अब हमारी प्राइस बन जाएगी ये। अब वो क्या है, वो 9.5% इंटरेस्ट रेट, आई से इंटरेस्ट रेट ऑफ 27,200। तो अब इसको हम सिंपल करते हैं इक्वल टू 9.5/100 मल्टीप्लाई 27,200 इक्वल अब ने हम तीनों का मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, हमारे पास उसका आंसर है इक्वल टू 25,800 तो 25,000 दोनों का मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 2584 ये हमारा आंसर आ गया। अब अमाउंट ऑफ एंड ऑफ 2 ईयर इसके आगे है अमाउंट ऑफ एंड ऑफ 2 ईयर्स वो इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2584 इस अमाउंट को ये क्या है हमारे पास इंटरेस्ट उसका मल्टीप्लाई 2 ईयर इक्वल टू 5168 यानी कि ये इसका इंटरेस्ट है। अब 2 ईयर के लिए वो कितना हो गया इसका इंटरेस्ट 5168 यानी कि ये 1 साल का है, ये इसका 2 साल का हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है टोटल अमाउंट पेड जो उसने अमाउंट पे करनी है। टोटल अमाउंट पेड तो टोटल्स की अमाउंट पेड क्या हो जाएगी इक्वल टू 27,200 प्लस ये इसका इंटरेस्ट है 5168 इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 32,368 ये टोटल्स के अमाउंट क्या आ गई इसकी ये है। अब हमने क्या निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट ये इसकी टोटल अमाउंट हो गई है। अब जो टाइम हमारे पास क्या है टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स इक्वल 2 ईयर्स को हमने मंथ में कन्वर्ट किया 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 24 मंथ आ गई है हमारे पास 2 ईयर को 24 मंथ आ गए। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल टू टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है 32,368 टाइम इज 24। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 32, 36, 8 divide 24 आंसर इज जो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 1348.6 है तो हम इसको राउंड ऑफ किया तो 13.7 ये उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। अब इसका ये मंथली फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप इसका ये है फाइंड द टोटल अमाउंट द मैन पेज फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। अब वो कंप्यूटर्स के लिए टोटल कितनी पे करेगा टोटल अमाउंट फॉर कंप्यूटर तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका इक्वल टू 32,368 प्लस अब ये जो इसकी है पेमेंट है डाउन पेमेंट ये है जो बच गई है 15% पे प्लस 4800। अब इन दोनों का हमने ऐड करना है ये बन जाएगा 37,168 तो ये उसकी टोटल पे उसके अमाउंट को उसने ऐड करना है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है थर्ड पार्ट में है हाउ मच मोर डज ही हैव टू पे फॉर बाइंग द कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें क्या है हाउ ही हैज टू मोर पे अब वो कितनी ज्यादा पे कर रहा है वो 37,168 माइनस हमारे पास जो मार्केट प्राइस है माइनस 32,000 इक्वल टू 5168, ये इतनी अमाउंट मोर पे कर रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइस ऑफ अ सोफा इज पी के आर एक्स है। A man buys the sofa on hire purchase according to the following terms. Down payment कितनी उसकी 25% है and remaining to be paid in a monthly installment for a 30 month at the simple interest rate is 12% per annum. Given that his monthly installment is 520, find the value of x. अब हमने x की जो सोफे की actual value वो हमने find करनी है, तो इसके लिए हमारे पास जो simple है प्राइस ऑफ सोफा, इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स पी के आर है, पी के आर डाउन पेमेंट कितनी उसकी 25% ऑफ एक्स, इक्वल टू 25/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 0.25x। इसको डिवाइड किया, x मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारी डाउन पेमेंट है। अब जो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू, वो हमारे पास टोटल क्या है, x है, x माइनस 0.25x, 0.25x इक्वल टू 0.75x, ये इसकी रिमेनिंग अमाउंट बाकी ये है। अब हमने क्या करना है इसका, अब हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं, इक्वल टू 75/100 पॉइंट रिमूव किया इनटू x हो गया। तो अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट है, तो इसमें जो हमारे पास जो रेट दिया गया बुक में, रेट लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट 12%, जो आर हमारे पास है इक्वल टू 12% है, और जो टाइम है वो क्या 30 मंथ है। तो हमने इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ये हम क्या करेंगे इसको, तो टाइम इक्वल 30/12, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5/2, 6×5 = 30, 6×2 = 12, ये हमारे पास किस में हो गया है, ईयर्स में हो गया है। इट मीन्स 2.5 ईयर, तो टाइम हमारा 2.5 ईयर्स हो गया है और रेट हमारा 12% है। तो अब इसका जो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, रेट में क्या होगा हमारे पास, अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट है, तो फार्मूला क्या हमारे पास, आई इक्वल PRT/100 प्लस हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट, प्लस अभी इसको हम क्या करेंगे 75/100 इंटू एक्स इक्वल, अब पी हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या है हमारे पास, ये एक्चुअल वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, 0.75x मल्टीप्लाई रेट हमारे पास क्या है आर 12 है, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम क्या है 2.5 अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा 100, और प्लस हमारे पास ये आ जाएगा 75/100, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस 0.25x। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड कर देंगे और उसमें हमने इसको ऐड करना है। मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.25, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 2.25x/100 प्लस इसका वैल्यू ये। अब इसको डिवाइड किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.225x प्लस 0.75x, 0. अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, प्लस 0.75 इक्वल 0.975 ये एक्स हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। अब स्टेटमेंट में आगे लास्ट पार्ट ये है, गिवन दैट हिज मंथली इंस्टॉलमेंट इज 520 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने इसको 52 के इक्वल कर लेना है। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब मंथली इंस्टॉलमेंट है तो हम क्या करेंगे, तो सिंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है 0. दैट इंप्लाइज या सिंस 0.975x अपॉन 30 मंथली इंस्टॉलमेंट है इक्वल टू 520 है, इक्वल टू 520 है। तो अब हमने x निकालना है तो इक्वल, इट मींस 0.975x इक्वल 520 मल्टीप्लाई 30, ये 30, अब 30 कैसे आया, उसकी 3 मंथ इंस्टॉलमेंट है और 520 उसे पे कर चुका है तो हमने x निकालना है, तो जो कि हमारे पास x क्या है, सोफे की प्राइस आ जाएगी 520 मल्टीप्लाई 30, ये बन जाएगा 0.975x इक्वल 15,600। अब ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल 15,600 अपॉन 0.975 डिवाइड 0.975, आंसर इज 16,000। इट मीन्स प्राइस ऑफ सोफा, सोफे की जो प्राइस है वो कितनी हो गया 16,000 PKR। तो यहाँ हमारा आंसर फिर रॉन्ग आ रहा है, इसके मुताबिक तो ठीक आ रहा है। अगर बुक में जो ओल्ड बुक है D3 उसमें जो वैल्यू क्या है 5 ओनली 52 है, अगर हम 52 करते हैं तो आंसर हमारा बनता है 1600। अगर हम बुक को लेते हैं तो फिर हमारा यहाँ क्या 520 है। तो सेंस प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, सेंस प्राइस क्या है 0.97x अपॉन 30 इक्वल टू 52 है, तो ये 30 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.975x इक्वल 52 मल्टीप्लाई 30, ये बन जाएगा 1560 है। अब हमने x निकालना है 0.975x है, x इक्वल ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1560 अपॉन 0.975 इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1600 PKR। अगर हम बुक वाली वैल्यू लेते हैं 520 तो आंसर बनता है 1600, तो दोनों मैंने मेथड कर दी है।